So, in the last sessions, we have completed with chapter number 4, that was quadratic equations. Okay. Now we are going to start with the next chapter, that is chapter number 5 of your NCERT book. Fifth chapter hai aapke syllabus ka, that is arithmetic progressions. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या और डेली लाइफ में कहां कहां इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं. एंड देन विल कम टू द क्वेश्चंस एंड सम फॉर्मूला. और यदि देखा जाए तो पूरे चैप्टर में केवल आपके दो फॉर्मूले लगना है. One is nth term of AP and the other is sum of n terms of AP. And with the two formula only we'll have certain variety of questions here. So you need to note it down very carefully because we'll be discussing step by step different type of questions, type 1, type 2, type 3 and so on. So before, let's introduce what is AP. Introduction. कि ये एपी है क्या. एपी ओके. तो देखिए सबसे पहली बात मान लीजिए आज एट प्रेजेंट किसी की एज है 15 इयर्स. एक साल बाद After 1 year, his age will be 16 years. Again after 1 year, his age will be 17 years. And so on. So, we observe that these numbers 15, 16, 17, dash, 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 these are proceeding with the same difference. ओके बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है बच्चों. तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि 15 के बाद 16 आया, 16 के बाद 17, 17 के बाद नेक्स्ट नंबर यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 18 आएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 19 एंड सो ऑन. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एन एपी. अनदर एग्जांपल लेट्स डिस्कस दैट इज सपोज इफ यू हायर अ टैक्सी. आपने घूमने जाने के लिए टैक्सी हायर कर ली. अब टैक्सी हायर की तो उसने कहा आई विल बी टेकिंग सम फिक्स चार्ज. फिक्स चार्ज ऑफ रुपीज 1000 एंड द रिमेनिंग चार्ज विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. Remaining charge depends on the distance traveled. And the rate is, he told that the rate is rupees 12 per kilometer. 12 rupees per kilometer ke hisab se jana hai. Ab dekhiye maine taxi to hire kar li. Aur lockdown lag gaya. Koi permission nahi mili jane ki kahin. तो मतलब मैंने टैक्सी हायर की, मेरे घर के सामने आकर टैक्सी खड़ी हुई है और 0 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, ट्रैवल ही नहीं किया, तब भी मुझे उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा. दिस इज डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ये फिक्स चार्ज था, ये तो देना ही देना है आपको. एंड दिस इज द टोटल फेयर. ओके अब आगे बढ़े. थोड़ा सा मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर चला गया, सिर्फ 1 किलोमीटर. तो जब 1 किलोमीटर गया तो मुझे फिक्स चार्ज तो देना ही था 1000 रुपीज. उसके अलावा पर किलोमीटर का 12 रुपीज के हिसाब से देना, तो टोटल हो गया 1012. 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, द चार्ज विल बी 1024.
For 3 kilometers, the charge will be 1036. So these numbers what we see, the difference of these numbers is always 12. 12, 12 ka difference aara hai sequence mein. So this kind of series is known as arithmetic series or arithmetic progression. Okay, progression ka matlab hota hai which progresses. जिसमें प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेशन हो गया. ओके, तो हियर नाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दीज आर टू एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डिस्कस. वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर एग्जांपल्स एंड विल बी टेकिंग द एग्जांपल्स वेयर इट इज नॉट एन एपी एज वेल. ओके, नोट इट डाउन. Now, some more sequences I'll be writing on the board. Examples of AP, arithmetic progressions. डेफिनेशन भी बताते हैं, पहले आप एग्जांपल्स और लिखिए. नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यदि मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपी, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपी व्हिच यू ऑल आर फेमिलियर विद. यू कैन आल्सो राइट सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -, again it is not, it is also an AP. Multiples of any number, if I write multiples of 5, if I write multiples of 5, then it will be 5, 10, 15, 20, 25, -, अब बेटा जरूरी नहीं हमेशा, अभी तक हमने जो सीरीज लिखी ये हमेशा जरूरी नहीं कि बढ़ती रहे, रिड्यूसिंग भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, तो ये हो गया 199, बैकवर्ड काउंटिंग बचपन में पढ़ी थी, 98, 97, 96, -, this is also an example of AP. The only thing is it should progress with the same number, that is known as AP. Okay, अब ये जरूरी नहीं है, difference positive भी हो सकता है, difference negative भी हो सकता है. So these are some examples of an AP. Now you can write down the definition of AP. AP की डेफिनेशन लिखिए. सर यस सर कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. डेफिनेटली आई हैव रिटन कंसेक्यूटिव नंबर्स हियर, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. जरूरी नहीं 1 से शुरू करें, ये भी हो सकता है 50, 51, 52, -, ओके क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एपी. इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम, इफ द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम, देन the series or sequence is known as AP, arithmetic progression. Sir, if, yes, if the difference of successive terms का मतलब एक के बाद एक, दूसरा term, फिर तीसरा term, फिर चौथा term, फिर पांचवा term,
तो जब हम दो एक के बाद एक आने वाली टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, यदि वो डिफरेंस सेम है देन इट इज एन एपी. सो इफ द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम देन इट इज कॉल्ड एन एपी. ओके, एंड द डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. And the difference is known as common difference represented by small d. Represented by small d. And first term is represented by small a. First term of AP is represented by small a, and common difference is represented by small d. अब देखिए ये d निकालना कैसे बच्चों, जब हम लिखेंगे किसी भी सीरीज को लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है a1 a2 a3 a4 डैश 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 an. ये है हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हमने a अज्यूम किया था. A2 ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड टर्म को, A3 ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड टर्म को, दिस इज फोर्थ टर्म, एंड दिस वन इज nth टर्म. कौन सा टर्म बच्चों? nth टर्म An. देखिए जरूरी नहीं कि A1, A2, A3, A4, An लिखें, सिंबल चेंज हो सकता है. इट कैन बी T1, T2, T3, T4, TN एज वेल. ये भी हो सकता है T1, T2, T3, T4, डैश 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 TN. दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. और कैपिटल भी हो सकता है बच्चों, T1, T2, T3, T4, डैश 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 TN. तो ये फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम T1, स्मॉल T1 भी लिख सकते हैं, कैपिटल T1 भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, सिंबल्स कैन बी चेंज, राइट. नाउ विल कम टू द पॉइंट दैट इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या है और कैसे फाइंड करना है? जैसे अभी बताया था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स. एक के बाद एक आने वाले टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, ठीक है. तो देखिए now here you can see I said we have to find out the difference of successive terms. Common difference hota hai difference of successive terms. अब सक्सेसिव का मतलब अभी बताया था एक के बाद एक आने वाले टर्म्स, तो अपन इसको लिख सकते हैं बच्चों, हमेशा होगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बाद वाली टर्म से फर्स्ट टर्म, पहले वाला टर्म माइनस करेंगे हमेशा,
d is equal to a2 minus a1 or a3 minus a2 or a4 minus a3 or a5 minus a4, a6 minus a5 होगा। बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करना, ये ध्यान रखिएगा। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज an माइनस an माइनस 1, एन से पहले क्या आएगा, n माइनस 1, तो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू an माइनस 1, राइट। लिखते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, टर्म जब लिखेंगे आप तो 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है ये आपका सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। जैसे पावर हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे ये जो 1 2 3 4 यहां पे टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जा रहा है ये आपका सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए, सॉरी सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो जब ऊपर लिख देते हैं तो वो पावर बन जाती है, लेकिन जब नीचे लिखते हैं तो वो आपका सबस्क्रिप्ट का काम करता है। ओके, सो हैव यू नोटेड डाउन दिस वन? यस सर। सो दिस इज कॉमन डिफरेंस, राइट। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, इफ द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम देन इट इज एन एपी, इफ द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम देन इट इज एन एपी, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, विल राइट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एपी, सम मोर। तो इन जनरल व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड common difference is d, तो बेटा first term मैंने a लिखा, अगला term मुझे जब find करना है तो उसमें मैं plus d कर दूंगा, plus d तो next term मिल गया, और plus d किया तो third term मिल गया। this is first term, this is second term, see this is first term, this is second term, this is third term, a प्लस 3d विल बी फोर्थ टर्म a4। आगे बढ़ते जाइए, a प्लस 4d विल बी फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ये है इन जनरल, दिस इज एन एपी, राइट। नाउ हियर वी हैव टू सी इन द फर्स्ट टर्म, सी वी हैव रिटन ओनली a, फर्स्ट टर्म में केवल a लिखा हुआ है। a को मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 0 इंटू d, a प्लस 0 इंटू d, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो होगा a प्लस 0, कैसे आएगा यहां पे जो सबस्क्रिप्ट है वो है 1, तो यू विल गेट 1 माइनस 1 इंटू d। ए टू लिखना है मुझे तो ये लिखूंगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे ए 3 लिखना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस, सबस्क्रिप्ट क्या है बच्चों 3, तो यहां पर आएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 4 लिखना था, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए 5 लिखना है तो होगा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको यदि मैं जनरलाइज करते हुए लिखता हूं, इफ आई हैव टू राइट डायरेक्टली a21 तो ये क्या होगा a प्लस a21 मतलब 21st टर्म। a प्लस सबस्क्रिप्ट आपका क्या है बच्चों 21, इसमें से आपको 1 माइनस करना है तो 21 माइनस 1 इंटू डी करना है, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 20d, राइट। Any term you can write, if you have to write suppose a55 तो क्या होगा a plus 54 into d, okay 54 into d, 55 minus 1 54,
अब मुझे मान लीजिए 100th टर्म लिखना है, ए 100, तो ए प्लस डी का कोफिशियंट क्या आएगा बच्चों? 99. ओके, सी यू कैन राइट द आंसर इन योर चैट बॉक्स, आई कैन डेफिनेटली व्यू इट. आप चैट बॉक्स में आप आंसर अपना फटाफट लिख सकते हैं. ओके, इफ आई आस्क यू टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए 152 ए प्लस 151 डी ए प्लस 151 डी, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे आपका ये जो 152 है सबस्क्रिप्ट है उससे यहां पर एक कम आएगा हमेशा. ओके, नॉट 152 डी, इट विल बी 151 डी. इफ यू हैव टू राइट ए प्लस ए 75 तो क्या होगा? ए प्लस 74 डी. 74D. Instead of speaking, you should write the answer in the chat box. I am definitely able to see it. Yes, correct. A plus 74D. Clear hai bachchon? So, generalizing this, let's see how can you write the formula for nth term. मैंने आपसे कहा था इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, जिसमें हम पहला फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज nth टर्म ऑफ AP. Nth term of AP. Now don't speak, just write the answer in your chat box, please. An लिख सकते हैं. An. An. This will be equal to A plus. I just want you to write the coefficient of D in your chat box. Coefficient of D लिखना है बच्चों सिर्फ. Yes. Absolutely right, Ankit. Yes, good, good. Absolutely right. Oh, someone has written Abdul Rahman. A plus N minus 1, nahi beta. I've asked you only. N1, no. It is N minus 1, beech mein sign lagaiye. A plus N minus 1 into D. Okay. A plus N minus 1 into D. So, this is the formula for nth term of AP. Okay, so many of you are giving the right answer. Correct. So, nth term of AP, the formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. Sometimes we may also consider it as last term. Lekin last term ye tab hoga jab ये कहा जाए कि उसमें केवल n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटिंग एज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, l से. तो लास्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज l, और an और स्मॉल tn भी हो सकता है, स्मॉल tn भी लिख सकते हैं और कैपिटल tn भी लिख सकते हैं. So these are all the representation for the nth term of an AP, and the formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. Okay, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो, सर फॉर्मूले की जरूरत क्या है, क्यों याद करें फॉर्मूला, क्यों लिखें? अब मैं यदि मान लीजिए आपसे पूछूं, एक सीरीज लिखता हूं. ओके, आई जस्ट राइट वन सीक्वेंस एंड आई लास्ट यू the next two terms. You have to write the next two terms, only next two terms, very simple one. Suppose if it is 3, 11, 19, 27, you have to write the next two terms, only next two terms. Agle do terms likhna hai. So Ayushi Shravan, can you give the answer please? What will be the next two terms? Video on karo.
यस दिव्यांशी वर्मा, हाँ बोलो बेटा। आयुषी थर्टी फाइव एंड 43 एब्सोल्यूटली राइट आंसर, करेक्ट। 35 एंड 43 करेक्ट। कैसे आया बच्चों 35? देखिए यहां पर डिफरेंस कितना था 8 का, यहां पे डिफरेंस कितना है 8, यहां पे डिफरेंस कितना है 8, मतलब हम क्या कर रहे हैं प्लस 8 करते चले जा रहे हैं, तो यहां पे भी हमें प्लस 8 करना पड़ेगा, यहां पे भी हमें प्लस 8 करना पड़ेगा। ओके राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सीरीज लिखी हुई है, यहां पे 6 टर्म्स लिखे हुए हैं, अब इसका आपको 51st टर्म या 21st टर्म लिखना है। चलिए छोटा सा नंबर लेते हैं, यू हैव टू राइट द 21st टर्म। विल यू राइट ऑल 20 टर्म्स एंड देन गेट द 21st टर्म? नो, दैट वुड बी अ रॉन्ग मेथड। तो हमें क्या करना है फिर? सिंपल तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले ये जो सीरीज दी हुई है इसमें देखो कि a क्या है, a इज 3, फर्स्ट टर्म हमेशा होता है a। डिफरेंस देखना है बच्चों, डिफरेंस 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमको, तो डिफरेंस इज 8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 21st टर्म, सो आई विल राइट हियर a 21 That is equal to a plus 20d. Absolutely right. a is 3 plus 20 into 8, which is equal to 163. Have you got this answer, students? बच्चों आपको ये आंसर मिला था 163. Okay. Okay. Right. Very good. Now see, यदि हमें सीक्वेंस में दो टर्म्स, अगले दो टर्म्स लिखना है तो नो प्रॉब्लम, प्लस डी कर लेंगे, लेकिन आगे का हमें कोई टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए डेफिनेटली हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनथ टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड हियर ए 21। हमेशा D का कोफिशियंट सबस्क्रिप्ट से कम होगा। सिद्धांत माइक म्यूट करो। ओके ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। So one very simple question which we have discussed here, that is you have to find out a particular term of an AP. कोई एक term find करना है. So I am writing a few questions here. You need to do it right now. Find question of type 1 which is very simple one. Question of type 1, just find given term, या unknown term जो भी बोला होगा, unknown term of given AP, AP given है, the first one, the AP is 150, 141, 132, 123, dash dash dash. You have to find out the 11th term. Okay. My first question is to Prince Verma's brother is there, I think, in the class. Yes, sir. Okay. Your name? Tanish Verma, sir. Tanish Verma, okay, very good. What is the value of A in this series given? A
150, absolutely right. Very good. Ayushi Singh. Ayushi Singh, what is the value of D in this series? Difference kitna hai? Ayushi Singh. Jashanpreet. Harshita Singh. Harshita Singh. Yes, Ayushi. Sir, 9. 9. The minus 9. Okay. 9 or minus 9? Sir, minus 9. It is minus 9. Absolutely minus right. Yes, it is minus 9. See, I have told you the difference. Second में से first को minus करना है बच्चों, difference निकालने के लिए. आपको first में से second नहीं करना. 141 minus 150, 132 minus 141. 123 minus 132, difference is minus 9. You have to find out 11th term. 11th term. So A11. Formula lagane ke baad humko kya milega? A plus. D ka coefficient kya hoga? Yuvraj. Yuvraj. A plus. Will it be 10? Yes? 10. 10. Okay, absolutely right. Now put the values here. A is 150 plus 10 into minus 9, that is 150 minus 90, and this is equal to 60. So your answer is 60. Have you got the answer, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Very good. Very good. Very good. Let's go. बहुत बढ़िया question बेटा. फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, n माइनस 1 सबस्क्रिप्ट है 11, 11th टर्म. तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना होता है बेटा? Okay, sir, 10. एब्सोल्युटली राइट. तो फॉर्मूला इज बेटा ये है n. यहां सबस्क्रिप्ट में जो भी लिखा होगा ये n की वैल्यू होती है, और फॉर्मूला हमारा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन है तो n माइनस वन आएगा, 11 है तो ऑब्वियसली 10 आएगा. इज इट क्लियर? यस. d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. d होगा सेकेंड टर्म. 141 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस 9 आएगा. हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. मेरे हाथ का इशारा देखो बच्चों, सेकेंड माइनस फर्स्ट, नॉट फर्स्ट माइनस सेकेंड. ये बोला मैंने, पीछे से आगे गए थे वहां से पीछे वाले को माइनस करना है. सेकेंड माइनस फर्स्ट, अभी कॉमन डिफरेंस में हमने डेफिनेशन भी लिखी थी. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन. ओके, इज दैट क्लियर? ओके ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मोर, वन मोर. विल हैव सो मेनी, विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस हियर. ओके, सेकंड वन, सेकंड वन. इट इज 5.7, 5.2, 4.7, 4.2, dash dash dash. Very simple, you have to find out the 21st term. I'm giving you very simple numbers. 21st terms. So, सबसे पहले ये बताइए, what is the value of A? 5.1. Okay. Now, पूजा, पूजा प्रसाद. Yes sir. How much is the difference here? 0.5. Oh. Yes. It is minus 0.5. बेटा याद रखो, सेकेंड माइनस फर्स्ट बोला है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे. अब बताइए A21, तनु सामान. Yes sir. Yes. A प्लस
डी, यहाँ फिल अप द ब्लैंक लगाया मैंने, 21 है यहाँ पे, डी का कोफिशियंट क्या होगा? 20. यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, ए प्लस 20 डी. ए 5.7 प्लस 20 इंटू माइनस 0.5. प्रिया महोबिया प्लीज टेल द आंसर. तेजस्विनी सोनी यस माइनस 4.3. लेट्स सी, 5.7 माइनस 10, यस इट इज माइनस 4.3, एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड तनु, वेरी गुड. ओके ओके, माइनस 4.3, यस इट इज माइनस 4.3, एब्सोल्युटली राइट, गुड. यस माइनस 4.3, इट्स ऑलरेडी रिटन हियर. Now let's see the next question. Third. Third question, okay? Question number 3. 2, 7, 12, 17, dash, dash, dash. You have to find out the 15th term. Just write the answer on your chat box instead of speaking. Yes. Yes, yes. Good. Good. Dipanshu Rana, video on karo. दीपांशु राणा वीडियो ऑन करो बेटा. चैट बॉक्स में टाइप करो बेटा आंसर. आई एम एबल टू सी ईच एंड एवरी वन, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द करेक्ट आंसर. सिमी शर्मा यस, व्हाट विल बी, व्हाट इज योर आंसर? ओके राइट, यस एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज 72. यू कैन सी द सॉल्यूशन, सी ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 5. अब यहां पे पॉजिटिव 5 होगा क्योंकि 7 माइनस 2 किया है बेटा, 12 माइनस 7 किया है, 17 माइनस 12 किया है, तो डी इज इक्वल टू 5. नाउ 15th टर्म, ए 15 दैट इज ए प्लस 14 डी. ओके सो हियर वी गेट 2 प्लस 14 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 72 इज द आंसर. ओके अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं बेटा. इट इज माइनस 5, माइनस 7, माइनस 9, डैश डैश डैश. यू हैव टू राइट द 7th टर्म. अगेन सिंपल वन, वेरी सिंपल वन. ओनली थिंग इज आई जस्ट वॉन्ट टू नो value of A is 5, that's absolutely right. Now I just want to know whether the difference is 2 or difference is minus 2. How much is the difference? Minus 2. Okay, absolutely right. Now you find out the 7th term.
So many answers I've got. Someone is writing 7, someone is minus 2, minus 17. Okay, let's see. A7 is A plus 6 D. That is minus 5 plus 6 into minus 2. So this is equal to minus 5 minus 12. The answer is minus 17. Minus 17 is the correct answer. Okay. Minus 17 is the correct answer. Yes. Okay. Another question. Question number 5. Let's take something in fractions. 3 by 11. 5 by 11. 7 by 11. 9 by 11. --. You have to find out 29th term. Very easy one. Just find the 29th term. Yes, very good, Shadman, Ashwin, Rudra Pratap, wrong answer. Nikhil, okay, good. Abdul Rahman, Angha Virari, good. Prachi Saini, Shiramya, Rudra, Runjun Botham, Monish, it's not minus 59. Sriyansh Malviya, okay. So many of you are giving the correct answer, absolutely right. So that shows that you have got the concept of finding the nth term. Okay, so it is, I'll just give you the solution, then I'll give you one more question here. A is 3 by 11, D is equal to 2 by 11, 5 by 11 minus 3 by 11, 2 by 11, you have to write 29th term, A29, which is A plus 28D, so this is 3 by 11 plus 2 by 11 into 28. 28 into 2 is 56 plus 3 is 59 upon 11 is the right answer. Got it? Is it clear? While writing the value of D, you must be very careful whether it is positive or negative. Okay, one more. Question number 6. Question number 6. 18b plus x (19b, 20b minus x) --. You have to write the ninth term. So first of all, you just find the value of A. Find out the common difference. And then write the ninth term. First term, 18b plus x. Okay, first term is 18b plus x. And how much is the common difference? 1 minus x.
1 minus x. No. B plus x. B minus x beta. B minus x. Okay, not 1 minus x. See, it will be 19b में से हम 18b plus x को जब minus करेंगे, तो 19b minus 18b हो गया b, और minus plus minus हो जाएगा, तो ये होगा b minus x is d. Okay. So, ninth term मतलब क्या लिखेंगे बच्चों? A plus 8d. That is 18b plus x plus 8 into b minus x. So your 18b plus 8b is 26b, and x minus 8x is minus 7x, and this is the answer. This type of question was asked recently. Abhi aaya tha, one mark question. I'll give you that type of question. Okay. One more. नाम बोले बेटा, पहले नाम बोलिए. सर पूजा. ओके, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? फर्स्ट टर्म 18 बी प्लस एक्स है, ये समझ में आ गया? यस सर. ओके, डिफरेंस बी माइनस एक्स था, ये समझ में आ गया? सर वो माइनस एक्स के. ओ बेटा, सेकंड टर्म था आपका 19 बी, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो ये होगा 19b माइनस 18b. माइनस प्लस माइनस बेटा ब्रैकेट का खेल है, तो 19b माइनस 18b बचा b और माइनस x, तो b माइनस x. क्लियर? ओके, उसके बाद हमने नाइन्थ टर्म लिखा, तो a प्लस 9 है, तो यहां पर d का कोफिशिएंट 8 आएगा, तो एट्थ टर्म हो गया. इसलिए a मतलब 18b plus x plus 8 into b minus x. 18b plus 8b is 26b, और x minus 8x is minus 7x. So answer is 26b minus 7x. Is it clear? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. Right. Now next type of question. Second type of question. Okay. Second type of question, type 2. How many terms are there? अब यहां पे हमें find करना है. Type 2 में आप heading डाल लीजिए, find number of terms. कितने terms है ये find करना है? Find number of terms in the given AP. Find number of terms in the given AP. या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है question, which term is the given term? मतलब एक term आपको दिया होगा, वो कौन सा term है ये बताना है आपको. Ultimately, in दोनों ही questions में you have to find out the value of n. n find करना है, इसका मतलब n find करना है. Okay, let's see the question. Question is, how many terms are there? How many terms are there in the AP? In the AP 7, 16, 25, --349. देखिए, क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है which term of the AP 7, 16, 25, --349 is 349.
दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेम होगा बच्चों. ओके, विच टर्म मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है इसमें, एन फाइंड करना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वी हैव टू फाइंड आउट एन. सो ना व्हेन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, सबसे पहले ये देखो कि ए क्या है डी क्या है. वैल्यू ऑफ ए इज सेवन, ए इज सेवन. नाउ वी हैव टू फाइंड डी. डी इज इक्वल टू 16 माइनस सेवन विच इज इक्वल टू 9. डी आ गया 9. एन फाइंड करना है हमको, वी हैव टू फाइंड आउट एन. अब ये जो गिवन है या तो हम इसको L से प्रेजेंट कर देंगे, L इज इक्वल टू 349 लिख सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट An इज इक्वल टू 349. ओके, अब आपको फॉर्मूला लगाना है. An इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों, A प्लस N है तो N माइनस 1 इंटू डी होगा. Now here, let's put all the known values which we have. जो कुछ हमको पता है सब लिख दो यहां पे. An, क्योंकि दिया हुआ है, An भी हो सकता है, L भी हो सकता है. 349, this is 349 equal to A 7 plus N हमको find करना है तो N minus 1 into 9. सबसे आसान क्या होता है कि हम 7 को इधर ट्रांसपोज कर लें, तो 349 माइनस 7 342 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9. अब हम 9 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो हमें मिलेगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 342 अपॉन 9. दैट मीन्स 9 3s आर 27, 7 बचा, ओके 38. सो एन इज इक्वल टू, अब 1 इधर ट्रांसपोज होगा मतलब 39 आ गया. सो इट इज द 39th टर्म ऑफ द एपी. ओके, और यू कैन से देयर आर 39 टर्म्स इन दिस एपी. इज इट क्लियर? राइट. सो दिस वे यहां पे हमारे पास एक्चुअली जो फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला हमारा ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहां हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहां पे हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, तो ये जो चार वेरिएबल्स हैं ये कौन कौन से हैं? एक है एल, एक है ए, एक है एन और एक है डी. अब इनमें से यदि कोई भी तीन चीजें हमें मालूम है तो हम चौथा आसानी से फाइंड कर सकते हैं. कोई भी तीन मालूम है, दिस इज एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग या दिस इज टाइप टू क्वेश्चन. ओके, इज इट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन. One more question, that is, which term of AP 13, minus 17, minus 47 कॉमा माइनस 77 डैश 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 इज माइनस 557. ओके, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर.
Now just check your answer. Whether you have got the answer. Yes. Absolutely right. The value of n is 20. Okay?